हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के ऑनलाइन क्लासेज लाइव क्लासेज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, हम बोरिंग टेक्नीशियन के क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज 10 दिसंबर से हमारा स्टार्ट था। 4-5 बैच हैं, आपको ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन अभी कोरोना महामारी के बढ़ते कारण के कारण ऑफलाइन क्लासेज हमको बंद करना पड़ा। ऑफलाइन क्लासेज पूर्ण रूप से बंद हो चुका है और लड़कों के डिमांड के अनुसार से हमें ऑनलाइन क्लास पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ। बोरिंग टेक्नीशियन के हम लोग ऑनलाइन क्लास लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपको बताऊंगा कि और ऑनलाइन क्लासेस से और लाइव क्लासेस से हमारा क्लासेस किस तरह अलग है और मैं आपको क्या दूंगा ताकि आपका रिजल्ट होगा। टोटल 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा और उस 120 नंबर के एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन टेक्निकल आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर UP SSC सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर अगर पूछा जाता है, जो सिलेबस जारी किया गया है साइट पर उससे पूछा जाएगा, तो जो 60 टेक्निकल है वह 60 टेक्निकल में हम आपको विश्वास दिलाता हूँ 50 क्वेश्चन हमारे सेट से लड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वह कैसे पता चलेगा। यह मेरा टेक्निकल प्ले स्टोर पर जाइएगा, टेक्निकल क्लास सर्च करिएगा तो येलो कलर का आएगा ऐप, ठीक है, उसी को आपको डाउनलोड करना है। बाकी किसी भी तरह के अगर विशेष जानकारी आपको प्राप्त करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा और आप बात कर सकते हैं। टेक्निकल क्लास में आपको बोरिंग टेक्नीशियन का एक स्पेशल ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। सभी क्लासेस से हमारा क्लासेस अलग कैसे है, कैसे आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यह ऑफलाइन क्लास था यह जबलपुर में चलता था। अब आप घर बैठे तैयारी करें बोरिंग टेक्नीशियन के टेक्निकल क्लासेज के द्वारा, यानी कि मैं आपको घर बैठे तैयारी करवाऊंगा। सबसे पहले एक और बता दूं, हमारा जो क्लास होगा वह UP SSC जो सिलेबस जारी किया है साइट पर, वह संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। लाइन बाय लाइन भी अगर हम पढ़ाएंगे तो संपूर्ण सिलेबस के अनुसार से होगा और ओनली केवल हम टेक्निकल का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। टेक्निकल में चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो या साइंस का टॉपिक हो या ट्रेड का टॉपिक हो या पाइप फिटिंग का है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में और क्या पढ़ाएंगे उसको भी मैं आपको बताता हूँ। यह मेरे टेक्निकल क्लास के कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, उनका कुछ पिक्चर है। और अगर UP SSC सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, UP SSC सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर पूछता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 60 में 50 क्वेश्चन हमारे सेट से क्वेश्चन लड़ेंगे। क्लास कैसे करवाया जाएगा तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले टॉपिक वाइज लाइव क्लास होगा। जैसे जो सिलेबस दिया है, सिलेबस में सेफ्टी एंड फायर दिया है तो सेफ्टी एंड फायर का पहले हम क्लास लेंगे, लाइव क्लासेज पढ़ाया जाएगा। उस सेफ्टी एंड फायर के बाद आपको क्या कराया जाएगा, जैसे आपको यह टॉपिक वाइज क्लास होगा, टॉपिक वाइज में जैसे हम सेफ्टी एंड फायर पढ़ाएं, सेफ्टी एंड फायर जो टॉपिक से जो PDF से पढ़ाएंगे वह लाइव मिलेगा, प्लस वह PDF भी आपको ऐप पर रहेगा PDF फॉर्मेट में। उसी तरह आगे अगर हम देखते हैं जैसे टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन का, जैसे हमने सेफ्टी एंड फायर पढ़ लिया, सेफ्टी एंड फायर पढ़ने के बाद उसका MCQ क्वेश्चन PDF उस पर डाउनलोड रहेगा, उसको जाके बनाइए। बनाने के बाद मान लीजिए आपका 50 नंबर आया, 60 नंबर आया, 70 नंबर आया, फिर उसको हम लाइव डिस्कशन करवाएंगे। तीसरा होगा एग्जाम से पहले 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और वह आपको PDF फॉर्मेट में लोड रहेगा। आप जाइए, जैसे सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म होने के बाद उसको बनाइए। बनाने के बाद आपको मान लीजिए कि 60 नंबर में 30 नंबर आता है, 40 नंबर आता है, तो बाकी जितने क्वेश्चन होंगे उसको हम लाइव डिस्कशन करवाएंगे। सबसे अच्छा तैयारी करने का अच्छा साधन है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। उसके बाद है
एग्जाम से पहले 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाया जाएगा। एक और देखिए, हम लोग जो आपको जैसे मान लीजिए कि हमारा ये सिलेबस दिया हुआ है, यह जो भी दिया हुआ है बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में टॉपिक वाइज में सबसे पहले आइए बेसिक इलेक्ट्रिकल हम आपको पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। जैसे वी टेस्ट ऑन ब्रिज क्या है, प्रतिरोध का नियम क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से यूज किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सब। उसके बाद जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ें तो यह आपको 360 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल का PDF फॉर्मेट में ऐप पर डाउनलोड रहेगा। वह क्या करिएगा तो उसको बनाइए, बनाने के बाद जितना नंबर आया उसका फिर हम लाइव डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। उसी तरह सेफ्टी एंड फायर है, सेफ्टी एंड फायर में टोटल आपको 30-30 क्वेश्चन का 60 सेट है, यानी कि टोटल जो है 80 MCQ क्वेश्चन है, 7 पेज का है। मेटल, जैसे मेटल आपको दिया है पदार्थ विज्ञान के बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक दिया है। मेटल पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मेटल का डिस्कशन करेंगे। उसी भाई हीट ट्रीटमेंट है, हीट ट्रीटमेंट में MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मेजिंग टूल से ज़्यादा टॉपिक नहीं दिया, लेकिन मेजिंग टूल हम पूरा टॉपिक को पढ़ाएंगे और पूरा टॉपिक को डिस्कशन करवाएंगे। उसके बाद सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से टॉपिक दिया है, जैसे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्लास खत्म होगा तो सोल्डरिंग ब्रेजिंग से भी हम लोग क्या करेंगे MCQ क्वेश्चन उस वक्त PDF फॉर्मेट में ऐप पर उपलब्ध रहेगा। उसको जैसे हमने सेफ्टी एंड सोल्डरिंग और ब्रेजिंग पढ़ा दिए तो वह सोल्डरिंग ब्रेजिंग की आप क्या करिएगा, जाके बनाइएगा, बनाने के बाद कितना नंबर आएगा और फिर उसको हम लाइव डिस्कशन करवाएंगे, ठीक। उसी तरह पाइप एंड पाइप फिटिंग के महत्वपूर्ण मैं बता दूं, एग्जाम में पिछला 2015-16 में जो एग्जाम हुआ था तो उस समय 60 क्वेश्चन टोटल पूछे थे, 60 में 30 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे थे और 30 में केवल 16-17 क्वेश्चन पाइप फिटिंग से था, और पिछले बार के भी सिलेबस में पाइप फिटिंग नहीं था। तो इसलिए हम लोग पाइप फिटिंग से भी आपको क्वेश्चन, पाइप फिटिंग से एक PDF फॉर्मेट में जो हम क्लास लेंगे वह रहेगा, और पाइप फिटिंग से 220 क्वेश्चन के आसपास, 210 क्वेश्चन के आसपास जो MCQ क्वेश्चन है अगर यह पढ़ लेते हैं तो अलग से पाइप फिटिंग से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। उसके बाद साइंस में आइए, देखिए जिस तरह जितना हमारा टॉपिक ट्रेड इंपॉर्टेंट है उसी तरह साइंस है। साइंस में आपको यूनिट्स है, यूनिट्स हमने पढ़ाया, यूनिट्स के बाद पढ़ाने के बाद आप जाइए उसको टेस्ट बनाइए, टेस्ट बनाने के बाद हम लोग उस टेस्ट का लाइव डिस्कशन करवाएंगे। यानी कि जो हमारा क्लास होगा वह तीन तरीका से होगा, पहला चैप्टर वाइज क्लास होगा, लाइव क्लास हो जाएगा। उस चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज का MCQ आप पहले बना लीजिए टेस्ट, वो आपको PDF फॉर्मेट में रहेगा, और वह बनाने के बाद क्या करिएगा फिर हम लाइव डिस्कशन करवाएंगे। तो दो क्लास हो गया, और तीसरा क्लास जो हो गया मॉडल प्रैक्टिस सेट आप बनाइएगा, बनाने के बाद कितना नंबर आया उसका डिस्कशन हम लोग करवाएंगे। तो यूनिट्स है, यूनिट्स के बाद स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, सिंपल मशीन, मोशन है, यहाँ से टोटल 159 क्वेश्चन है और यह 159 क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी है, वर्क पावर एनर्जी आपको क्लास करवाया जाएगा, और वर्क पावर एनर्जी में आपको न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन करवाया जाएगा, और वह न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन को आपको लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा। उसके बाद मास, वेट और डेंसिटी, मास डेंसिटी से भी आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा, और उसके बाद क्या है कि आपको लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा हीट एंड टेम्परेचर से भी आपको इसी तरह का लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा। एक्स्ट्रा में हम क्या पढ़ाएंगे देखिए, एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक जो सिलेबस में नहीं दिया है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें कटिंग टूल पढ़ाऊंगा, कटिंग टूल आपका सिलेबस में नहीं दिया है, वेल्डिंग नहीं दिया है, लेथ मशीन नहीं दिया है, यह आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाएगा। यह इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कटिंग टूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहाँ से 2-4 क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और उसके बाद वेल्डिंग से भी ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था वहाँ से 10-11 क्वेश्चन ट्यूबवेल ऑपरेटर में आपको वेल्डिंग से पूछा था, लेथ से भी आपको 10-11 क्वेश्चन पूछा था। तो एक्स्ट्रा सिलेबस में, और एक बात और, बोरिंग टेक्नीशियन 2015-16 में जो पेपर हुआ था अगर एक क्वेश्चन भी कोई टॉपिक से पूछा है उसके एवज में मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे मिलिंग मशीन से एक क्वेश्चन पूछ दिया था 2015, तो मिलिंग मशीन भी पढ़ाया जाएगा, मोटर एक टॉपिक क्वेश्चन पूछा गया था तो मोटर पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लास करवाया जाएगा, यह एक्स्ट्रा में तीनों टॉपिक है। टोटल देखिएगा तो यह 2800 के आसपास MCQ क्वेश्चन है, कितना है
2800 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर वाइज क्लास करवाने के बाद इसको लाइव डिस्कशन करवाना पड़ेगा। जैसे कोई भी ऐसा अभी ऑनलाइन क्लासेज नहीं है कि क्या है, सब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद आपको टेस्ट देने का सुविधा दिया जाता है और टेस्ट का फिर लाइव डिस्कशन करवाया जाता है। और उसके अलावा यानी कि उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब बोलिएगा कि ऑनलाइन क्लासेज का फीस क्या रहेगा, तो देखिए ऐसे ऑफलाइन हम लोग क्लास पढ़ाते थे तो 10,500 हम लोग फीस रखे थे। अभी तक में 10 दिसंबर के बैच स्टार्ट किए, अभी तक आते आते 150 के आसपास बच्चे हमारे पास यूपी के रहने वाले आए थे और क्लास किए हैं। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन है, आने वाला उम्मीद में हमें नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा और एग्जाम के जहाँ तक डेट है आपको जून में एग्जाम होगा ही होगा। तो हम लोग ऑनलाइन जो फीस रखे हैं वह 1499 रुपये रखे हैं। 1499 रुपये आपका रहेगा, इसकी वैलिडिटी एग्जाम डेट तक रहेगी और जो जो टॉपिक हम बोले हैं वह रहेगा। 1499 रुपये में आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी रहेगा, टेस्ट का भी पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा ऐप पर और लाइव रहेगा। जितना बार आप क्लास करना चाहें उतना बार आप देख सकते हैं, टेस्ट बना सकते हैं। और एक बात और बता दो, अगर यूपी ट्रिपल एससी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है तो 60 में 50 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से, हमारे सीट से लड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते यूपी ट्रिपल एससी सिलेबस जो जारी किया है वह सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। तो एक और हमारे मतलब असुविधा क्या है, जो टेक्निकल क्लास ऐप है उसमें से अभी ऐप वाला सर्वर से बात हुआ था, सर्वर टेक्नीशियन से, उसमें खामियां क्या है कि एक बैच में 200 ही स्टूडेंट हमारे बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनको एडमिशन लेना है वह फटाफट ले लीजिए, ओनली फॉर 200 ही। उसके बाद अगर आगे देखते हैं सर्वर टेक्नीशियन से फिर हमको बात करना पड़ेगा उसका सीट की संख्या बढ़ाने के लिए। फिलहाल का जो है वह 200 स्टूडेंट एक बार में लाइव क्लास ले सकते हैं। मॉर्निंग में अभी हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले 2.5 घंटे के डेली मॉर्निंग में क्लास रहेंगे और शाम में जो करेंगे वो हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। यह अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर है और कॉल नंबर है। ओके, बाय बाय।